स्मार्ट सिटी के अंदर ये सभी चीजें जो है बन गई। हम बहुत ज्यादा अर्ज दिए, हम जब स्कूल छुट्टी थी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता था, तो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। तो हमने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन दिए अपने जिला परिषद को कि बाबा हमने यहाँ पर उड्डयन पुल चाहिए, हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो बहुत सालों के बाद जो है स्मार्ट सिटी के अंदर ये पूरा काम कम्प्लीट हुआ। और स्कूल में जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा स्कूल जो है मुझसे कह रहा हो कि बादशाह ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भय परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई भी नहीं। इन सभी गलियारों से गुजरते हुए बहुत सारे किस्से याद आ रहे यार, हमने कहाँ पर बैठ के क्या किया था, कहाँ पर बैठ के क्या किया था। अल्लाह बहुत ज्यादा यार, इस रास्ते का बहुत कम इस्तेमाल किया हमने, पर हमारे स्कूल पीरियड में बहुत ही कम इस्तेमाल किया। आवाज देखो क्लासरूम्स में बच्चों का, स्कूल की वो घंटी जिसे हमने भी बहुत बार बजाया है यहाँ पर, उसके टन 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 टन, बहुत ज्यादा यार एंजॉय किया यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना नाइन्थ क्लास में, जब मैंने जैसे ऊपर कहा अभी कि हमारे स्कूल में जो है साल में एक बार एनुअल फंक्शन होता था, तो उसी वक्त जो है यहाँ पर नाइन्थ क्लास के बच्चे जो है यहाँ पर और वहाँ पर जो है स्टॉल लगाते थे, फन फेयर जैसे एक स्टॉल लगाते थे। और वहाँ पर जो है पूरे स्कूल के जो बच्चे है, उस वक्त भंडार बंद होता था और उस वक्त स्कूल के सभी बच्चे जो है यहाँ पर आके स्टॉल में से जो है खाना खरीदते थे। और इसी जगह पर हमारा स्टॉल था, यहीं पर ये जो जगह दिख रही है ना सामने अभी, यहीं पर जो है हमारा स्टॉल हुआ करता था पहले। उस साल जो स्टॉल यहाँ पर लगाया था हमने, 9B का जो स्टॉल है यहाँ पर लगा था। बहुत ज्यादा एंजॉय किया उस वक्त, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने बेहिसाब खाया, बेहिसाब पैसा गोला किया। और उस वक्त हमारा क्लास जो है वो जीत गया था टूर्नामेंट, उसमें कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सा क्लास सबसे ज्यादा कमाई करता है। तो उस वक्त हमारा जो क्लास है वो उस पूरे टूर्नामेंट में जो है जीता था। तो बहुत ज्यादा ना एंजॉय किया यहाँ पर, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। यहीं पर था हमारा 9B क्लास का जो स्टॉल, यहाँ पर भी सभी लड़कियों को मैं ताई ताई करके बुला रहा था, तो लड़कियों ने कहा बादशाह प्लीज हमें दीदी मत कहो बोल के। अभी भी वो बातें याद आती है यार, याद आती है। जब मैं पहली बार स्कूल में आया था तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ था, मैं पता ही नहीं चल रहा था कौन सा क्लास है क्या है, इतनी बड़ी स्कूल है। मैं बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा था, हमारा स्कूल के ग्राउंड के सामने, ग्राउंड के अंदर हमारा पूरा स्कूल समा जाए और बहुत ज्यादा जागे बच्चे, उतनी छोटी स्कूल में मैं पढ़ा था। तो मैं पहले स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज हुआ और मैं गड़बड़ में जो है पहला दिन जो है मैं 6th स्टैंडर्ड के क्लास में चला गया था। और वहां पर उनके साथ मैंने मिड डे मील तक जो है वहां पर लेक्चर अटेंड किया, और बाद में पता चला सारा, बाद में नंबर देखा तो क्या ये 6D है, अरे यार बोला मैं 7C में मैं हूँ। तो बाद में पता चला कि ऊपर है क्लास, तो वही क्लासेस हम देखने यहाँ पर आए हैं। तो ये जो है 7A का क्लास था, यहाँ पर मेरा 10th का पेपर आया था, एक मराठी के पेपर के लिए यहाँ पर मेरा नंबर लगा था। तो बहुत बदलेला यार अभी कॉलेज स्कूल, बहुत ज्यादा बदलेला, सब नंबरिंग वगैरह सब चेंज के लिए था। यहाँ पर 7C हमारा क्लास, यहाँ पर इतना ज्यादा एंजॉय किया है ना, यहाँ पर बैठते थे हम, यहाँ पर लकड़ी के बेंच थे हमारे क्लास में, यहाँ पर बैठता था मैं, इस प्लेस पर मैं बैठता था, वहां पर सब लड़कियां बैठती थी और ये हमारा ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर लेक्चर्स होते थे। बहुत ज्यादा एंजॉय किया यार यहाँ पर, नाम वगैरह सब लिखा था, मैं और सुनील सोनखड़े नाम का एक लड़का था हमारे क्लास में, वो बैठते थे, और हमारे आगे के बेंच पर जो है ओमकार वाले वगैरह बैठते थे। तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस भी क्लासरूम के अंदर, सबसे पहला क्लासरूम मेरा 7C, यहाँ से भी पूरा व्यू दिखता है यार बाहर का, बाहर क्या चल रहा है क्या चल रहा है, गड्ढे के वक्त यहाँ से सब देखते थे हम बैठ के, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है गड्ढे में। भाई साहब नॉस्टैल्जिया यार, और जब बीच की छुट्टी होती थी तो सभी लोग धर 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 बाहर आने वाले यहाँ से, सब बातें याद आ रही है यार। और पुरानी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जो है सभी ज्यादातर लैब वगैरह ही है, तो इधर बाजू जितने भी रूम्स हैं वो सब लैब रूम्स थे। और ये हमारी कंप्यूटर लैब, भाई यहाँ पर कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सीखा, जब मैं यहाँ पर आया था ना मुझे कंप्यूटर का सी तक पता नहीं था, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक विभाग था और ये पूरा कंप्यूटर लैब, यहाँ पर आने के बाद मुझे कंप्यूटर का सी तक पता नहीं था जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तब, यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक सीखने मिला मेरे को कंप्यूटर्स का।
और जब मैं 8th क्लास में था, जब हम गड्ढे के लिए सोलापुर में आए थे, तो हमारे चाचा जी ने यहीं पर नमाज अदा की थी, तो अभी भी याद है वो जगह मुझे। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार, यहाँ पर भी हम बहुत एंजॉय करते, सभी लोग अपने जूते वगैरह यहाँ पर निकालने वाले। अंदर लैब में जाने के बाद इतना बदबू आता था, पूछो ही मत। यहाँ पर जो है एक ये था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर था, प्रोजेक्टर पर हमको फिल्म्स वगैरह दिखाते थे, मतलब पढ़ाई के बारे में, और यहाँ पर हमारे पूरा कंप्यूटर थे यहाँ पर। सभी बातें याद आ रही है यार, एक 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 करके। और वहाँ पर सबसे ऊपर बायोलॉजी की लैब है, ये हमारी केमिकल लैब केमिस्ट्री की, और ये 6A क्लास। ये क्लासरूम भी अभी तक नहीं बदला यार, हमारे स्कॉलरशिप के क्लास होते थे यहाँ पर। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तो स्कॉलरशिप 7th में थी, तो यहाँ पर हम क्लासेस अटेंड करते थे, सबसे ऊपर की बेंच पर मैं बैठता था वहाँ के, और यहाँ पर हमारे टीचर्स हमको स्कॉलरशिप का सिखाते थे। और जब मैं पहली बार मैथ में फेल हुआ था 7th स्टैंडर्ड में, तो इसी बेंच पर बैठ के मैंने जो है अपना पेपर दिया था, और वहाँ यहीं पर मैंने कसम खाई थी कि भाई इसके आगे अपन कभी भी फेल नहीं होंगे। तो खुदा के फजल से जो है उसके बाद में एक बार भी फेल नहीं हुआ, और हर बार जो है 10th में 93 मार्क्स लिया, फिर डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर M1 के अंदर जो है 83 लिए, M2 के अंदर 86 लिए, और M3 के अंदर 88 लिए। तो यहाँ पर जो मैंने शपथ खाई थी वो वहाँ पर मैंने जाके पूरा किया, उसके बाद में एक बार भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। तो मैं शाउटआउट देना चाहता हूँ मेरे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। अभी तक क्लास बदला नहीं यार, पर वैसा ही है, धूल भरा हुआ, एक के ऊपर एक बेंचेस वाला। यहाँ पर सभी लोग धड़ 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 बच्चे गोला हो जाते थे सब, एक दूसरे को धक्का बुक्की करते हुए यहाँ से निकल जाते थे। वहाँ पर लड़कियों का जो है साइकिल स्टैंड था, यहाँ पर ये छोटा वाला ग्राउंड था जहाँ पर अपने स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, और वहाँ पर जो है बड़ा वाला ग्राउंड नीचे। तो यहीं से हमने सबसे पहली बार एंट्री ली थी, और यहीं पर ये बिल्डिंग को देख को जो है मैं पर घबरा गया था कि भाई इतने बड़े स्कूल में मुझे पढ़ना है क्या। ये हमारा स्टेज, यहाँ पर सब जितने भी फंक्शन वगैरह होते थे ना, यहीं पर होते थे। वो क्रीड़ा विभाग, वहाँ से फुटबॉल वगैरह लेके यहाँ पर नीचे फुटबॉल खेलने जाते थे हम सभी लोग। और जैसे मैंने ऊपर कहा कि वह हम जब प्रैक्टिस चालू हो जाते थे स्कूल के अंदर अपने गैदरिंग के, तो वहाँ पर एक कोने में एक गेट है, मैं और मेरा भाई जो है ना उस गेट पर से कूदी मार के जो है बाहर जाते थे, क्योंकि हम गैदरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। तो यहाँ पर रुक के क्या करें बोल के हम दोनों भाई जो है वहाँ से निकल जाते थे, और उधर बाजू रोड क्रॉस करके उधर पहले जो है जनवरी के अंदर जत्रा भरता है सामने रेवन अपने सिद्धेश्वर महाराज का, तो वो जत्रे के अंदर से छुप छुपा कर हम रंगभवन की तरफ निकल जाते थे। एक बार भी किसी ने हमें नहीं पकड़ा, और मैं पहली बार यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया यार मैं और मेरे भाई ने। जिम खाना नवीन बटे साला है, हमारे टाइम को नहीं था कुछ भी ऐसा, हमारे टाइम पर वहाँ था, बार वगैरह था वहाँ पर, हम करते थे, हम जो वहाँ पर है ना अभी वो वहाँ पर था पहले, पुलअप्स वगैरह मारने के लिए। और यहाँ पर बैठते थे सभी बच्चे, सभी लड़के लड़कियाँ सब यहाँ पर बैठते थे, सब यहीं पर बैठते थे साला, जो भी लपड़े होते थे ना वो इसी एरिया में होते थे, स्कूल में जितने भी लपड़े हुए ना सब इसी एरिया में हुए थे। वहाँ पर नूमूवी स्कूल है, वहाँ पर भी जाते थे हम कभी कभी, और बाजू में जो है विद्या निकेतन नाम का एक स्कूल है, वहाँ पर भी हम जाते थे पहले, देखते थे यहाँ पर उनका गैदरिंग वगैरह चलता था। और यहाँ पर जो है NCC प्रैक्टिस वगैरह होती है, अभी भी होती है, हमारे वक्त भी होती थी। उसमें से एक पेड़ पड़ा वहाँ पर, एक वो जो पेड़ है ना सामने, वो ऐसा ही एक पेड़ था वहाँ पर, और एक वो पेड़ गिर गया, ट्विन ट्रीज बोलते थे हम उनको। और यहाँ पर जो हैंडबॉल का ग्राउंड था वो निकाल दिया उन्होंने। सभी हमारे जो स्पोर्ट्समैन थे, लेकर वाले, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे थे, लेकर वाले का नाम याद है क्योंकि वो हमारे फुटबॉल टीम का कैप्टन था, तो यहाँ पर खेलते थे लड़कियां, यहाँ पर डॉज बॉल खेलती थी उस पेड़ के नीचे। सभी बातें याद आती हैं यार स्कूल में वापस आने के बाद। नाम याद नहीं यार मेरे दोस्तों के, मुझे ज्यादातर नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि गड़बड़ है ना अभी, माफ करो यार मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है। पर बहुत ज्यादा एंजॉय किया यार सभी लोगों के साथ, शुक्रिया सभी दोस्तों को जिन्होंने जो है मुझे इतने हसीन पल दिए मेरे जिंदगी में स्कूल के अंदर। बहुत रोया था मैं आखिरी दिन पर, हम सभी दोस्त वहां पर बैठे थे ब्रिज पर, वहां पर मोड़े सभागृह में हमारा जो है ये हुआ सेंड ऑफ का कार्यक्रम हुआ, हम सभी दोस्त वहां पर बैठ के बहुत रोए, हम सभी यादों को याद किया, भाई हमने ऐसे किया वैसे किया, कैसे पता नहीं चला, कैसे दिन चले गए, ऐसा वैसा सब। शुक्रिया मेरे साथ इस पूरे सफर पर आने के लिए, मेरे स्कूल को देखने के लिए। गेले ते दिवस, राहिल्या फक्त आठवणी, इतना ही कह सकता हूं मैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो स्कूल के जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बताइए। और अभी तक आपने अपने स्कूल को अगर नहीं जाके देखा होगा तो प्लीज जाके अपने स्कूल को देखिए, सभी यादों को याद कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मिलिए। जिंदगी में जो है हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने दोस्तों के लिए, अपने स्कूल के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपनी जान होती है यार, ये जो है अपनी जान होती है। धन्यवाद।